नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे। अभी मैं आपको आज उस्मानाबादी बकरी के बारे में बताने वाला हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं ये उस्मानाबादी गोट्स है। मेरे पास ऐसी उस्मानाबादी बहुत सारे गोट्स हैं, ये के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। उस्मानाबादी बकरी के क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उसके पालने से क्या फ़ायदे मिलेंगे अपने को, और उसको कैसे पाल सकते हैं, ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अभी जो आप देख रहे हैं ये उस्मानवादी बकरी है। तो उस्मानवादी बकरी ये कहाँ पाई जाती है? ये इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट में उस्मानाबाद नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की वो ब्रीड है। लेकिन वो जो उसके बाजू वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब अहमदनगर हो गया, बीड हो गया, लातूर हो गया, उस्मानाबाद हो गया, इधर बहुत सारी क्वांटिटी में अपने को मिलेगी। इसके वो जो ये जो उस्मानाबादी गोट है ये ज़्यादातर ज़्यादा ब्लैक कलर में मिलती है। मतलब ये 90% पकड़ो ब्लैक कलर में मिलेगी आपको। और जो उसके हॉर्न्स होते हैं, मतलब जो उसके सींग होते हैं, वो पीछे के साइड में होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। मतलब तकरीबन पकड़ के चलो एक 3 इंच के करीब उसके सींग होते हैं बड़ी बकरी के वैसे। और उसकी जो हाइट से, मतलब ये जो बकरी की जो हाइट है वो अपने को 30 इंच के करीब मिलेगी। और इसका जो वेट है, मतलब पैदा होने वाले बच्चे का वेट अपने को पकड़ के चलो मैक्सिमम 2 केजी के करीब, 2.5 केजी के करीब मिलता है। और जो मतलब पूरी बकरी है उसका जो वेट है 30 से 35 किलो के करीब रहता है। और जो मेल होता है, मेल का वेट 45-50 केजी होता है ज़्यादातर ज़्यादा। और ये जो बकरी है इसका वो दूध कम देती है, मतलब 1 केजी 900 ग्राम मैक्सिमम, 1 केजी 900 ग्राम से 1.5 केजी तक इसका मिल्क अपने को मिलता है ऐसा है। और फर्स्ट मेटिंग के लिए, मतलब जब अपनी फीमेल किड्स रहेगी वो फर्स्ट मेटिंग 8 से 9 मंथ में अपना फर्स्ट मेटिंग हो जाती है। पहली बार अपन इसको क्रॉस करते हैं। पहली बार क्रॉस करने के टाइम ज़्यादातर टाइम में अपने को एक ही बच्चा देती है ऐसा है। और अगले फिर दूसरे तीसरे चौथे डिलीवरी में अपने को इसमें उससे 2 या 3 बच्चे भी मिल सकते हैं। 2 बच्चे देने का उसमें ज़्यादा प्रमाण है, ज़्यादातर टाइम ये 2 बच्चे देते हैं ऐसा है। और एक बार इसकी डिलीवरी हो गई तो फिर से वो हीट में 21 दिन में फिर से हीट पे आती है। और इसके प्लस पॉइंट, इसमें इसके अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट है, इसके पालने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ए है, तो ये अपने को 2 बच्चे देती है ज़्यादातर टाइम में, 2-3 बच्चे देती है, तो ये अपने को प्लस पॉइंट हो गया। और 1 साल में, मतलब 12 से 13 महीने में ये अपने को 2 बार डिलीवरी देती है। मतलब 1 साल में अपने को ये तकरीबन 4 बच्चे के करीब बच्चे देती है। इतना ज़्यादा फास्ट डिलीवरी, इतना ज़्यादा फास्ट प्रोडक्शन बाकी किसी ब्रीड में पाया नहीं जाता, ये इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। मतलब बाकी ब्रीड ले लोगे आप, मतलब बाकी कौन सी भी ब्रीड लो तो 15 महीने 16 महीने 17 महीने 18 महीने के करीब लगता है 2 डिलीवरी देने के लिए ऐसा है। तो इसका प्रोडक्शन बहुत फास्ट है अपने को, बहुत फास्ट। इसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसका प्रोडक्शन फास्ट है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और ये जो बारिश कम होती है ऐसे जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये अच्छे से सर्वाइव कर सकती है, अच्छे से रह सकती है। मतलब कभी ग्रीन फोडर वगैरह कम अवेलेबल होता है इसके अंदर, उसका स्ट्रेंथ अच्छी होती है। मतलब कम बारिश हो जाने वाले मौसम में भी वो अच्छे से टिक पाती है। और डिसीज़, बाकी के जो जो डिसीज़ होते हैं उसका अटैक इसके ऊपर कम होता है, मैंने पहले भी बताया। उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है ऐसा है। और अपने को एक साल में 13 महीने में 2 डिलीवरी देती है, 4 बच्चे देती है। तो इसका प्रोडक्शन, जब अपने को मीट मार्केट के लिए गोट फार्मिंग करना हो तो ये बकरी बहुत सही है। लेकिन क्या होता है, उसके बच्चों का वेट गेन ज़्यादा फास्ट नहीं है। मतलब वेट गेनिंग का जो रेट है वो कम मिलता है, मतलब महीने में ज़्यादा तो ज़्यादा 3-4 केजी। बहुत अच्छा पाला आपने, तो 5 केजी तक अपने को इसका वेट गेनिंग मिलेगा, इसलिए वेट गेनिंग इसके अंदर थोड़ा स्लो है। लेकिन क्या करो, आप इस बकरी को पाल सकते हैं, उसको खाली ज़्यादा वेट गेनिंग वाले जो बकरे रहते हैं तो उससे क्रॉस करो। उससे क्या होगा, अपने को प्रोडक्शन भी फास्ट मिलेगा, वेट गेनिंग भी अच्छा मिलेगा, तो अपना प्रॉफिट बढ़ेगा ऐसा है। क्योंकि जब जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा फास्ट वेट गेनिंग, उतना ज्यादा अपना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मीट मार्केट के लिए जब अपन काम करते हैं तो अपने को वेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने को प्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने सपोज अपने
दूसरी एक ब्रीड उसके साथ कंपेयर करो कि जिसका पकड़ लो कि 15 महीने में, 16 महीने, 17 महीने में 2 डिलीवरी होती है, तो अपने को 4 ही बच्चे मिलते हैं और उसका गेट मीनिंग थोड़े से सही से अच्छा हो, लेकिन क्या है अपने को प्रोडक्शन कम मिलता है। तो इसके अंदर क्या है अपने को प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, 4 बच्चे अपने को 1 साल में 13 महीने में 4 बच्चे आराम से मिल जाते हैं। आपको देखना हो तो मेरे पास आओ, मैं दिखाता हूँ। और क्या होता है ये आप देखो अच्छे से, ये प्रॉपर उस्मानाबादी ब्रीड है, मेरे पास अच्छी क्वालिटी की है और भी बच्चियाँ बकरियाँ ऐसा है। तो आपको इसके अंदर और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो उस्मानाबादी के अंदर, और भी कुछ डाउट्स हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ये नंबर है, ये नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। और अपना ये जो चैनल है आप सब लोग सब्सक्राइब करो, इसके अंदर बहुत सारी वीडियो मैंने डाली है, और दोस्तों के अंदर शेयर करो ये वीडियो और बेल आइकन भी दबाओ। थैंक यू।